राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की मतदान से पूर्व राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी कड़ी में एक तरफ भाजपा की सुषमा स्वराज ने प्रेस वार्ता करके हुए अर्थव्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे किए तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने सुषमा के बयान को भ्रमित करने वाला बताया है। कांग्रेस की अर्चना शर्मा ने कहा कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था मात्र 2% रह गई थी, अब चुनावों के समय भाजपा नेता वास्तविकता पर पर्दा डाल रहे हैं। अर्चना शर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था 4 गुना से अधिक बढ़ी थी। शर्मा ने कहा कि चुनावों के समय भाजपा नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं, जबकि पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों पर उन्होंने काम किया उसका दुष्परिणाम यह निकला कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था 2% गिर गई, और उसके इतर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उन सब को लेकर ये कहा जा सकता है कि वो उन चीज़ों को पर पर्दा डालने का प्रयास करें जिन्होंने वास्तविकता में देश की अर्थव्यवस्था को उच्चतर स्तर पर पहुँचाया। गत यूपीए सरकार के दौरान एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था 4 गुना बढ़ी थी, और इसके अलावा अन्य देशों से भी तुलना करें तो चाइना में 3 गुना और अन्य देशों में 2 गुना बढ़ी। इसका सीधा तात्पर्य है कि एक विकासशील देश होते हुए देश की अर्थव्यवस्था को अक्षुण रखने, उसे ग्लोबल मेल्टडाउन के दौरान बेपटरी होने से बचाने में यूपीए सरकार की